हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम उन एक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उन स्टार किड्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से स्टारडम हासिल किया और आगे जाके वो बहुत बड़े स्टार्स बने, बहुत कामयाब एक्टर्स और स्टार्स भी बने। लेकिन जब इन्हीं एक्टर्स के छोटे भाइयों ने फिल्मों में कदम रखा तो वो कुछ खास कमाल कर नहीं कर पाए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने कामयाबी भी मिली, जैसे कि कपूर फैमिली से की बात करें तो पापा जी ऑफ बॉलीवुड द लेट ग्रेट पृथ्वीराज कपूर जी, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर इन हिस टाइम बैक इन एवर एरा, 1930s की बात कर रहा हूँ शायद मैं। और उनके भाई त्रिलोक कपूर जी, इवन ही वॉज अ सक्सेसफुल एक्टर, ही वॉज ऑल माइथोलॉजिकल फिल्म की थी उन्होंने, लेकिन वो भी काफ़ी सक्सेसफुल थे। और उन पृथ्वीराज कपूर जी के बेटे राज कपूर जी, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर, वेरी सक्सेसफुल एक्टर, काफ़ी बड़े स्टार्स थे वो। और उनके भाई शम्मी कपूर जी, शशि कपूर जी, इवन दे वर वेरी बिग स्टार्स। ऋषि कपूर जी वेरी बिग स्टार, उनके भाई रणधीर कपूर भी काफ़ी बड़े स्टार ही थे, लेकिन राजीव कपूर स्टार उतने नहीं बन पाए, उनका कुछ कमाल बॉक्स ऑफिस में नहीं कर पाए। इसी तरह द गांगुली ब्रदर्स, आई थिंक अशोक कुमार जी वेरी बिग स्टार, किशोर कुमार जी भी वेरी बिग स्टार, लेकिन अनुप कुमार जी कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि किशोर कुमार बिकेम द गॉड ऑफ सिंगिंग, तो वो अलग बात है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे कि धर्म जी, उन्होंने तो एज अ हीरो बहुत बड़े स्टार बने, इज द फर्स्ट ओरिजिनल एक्शन हीरो। लेकिन उनके भाई अजीत सिंह देओल, वो छोटे मोटे कैरेक्टर रोल करते थे लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं हुआ। तो उसी तरह अगर आप देखो तो आई थिंक सुनील दत्त जी सक्सेसफुल एक्टर, वेरी सक्सेसफुल एक्टर। आई थिंक उनके भाई आई थिंक सोम दत्त, उन्होंने भी शायद फिल्मों में काम किया था, आई डोंट गूगल एंड चेक एवरीथिंग। तो लेकिन वो उतने कामयाब नहीं बने। हालांकि सुनील दत्त वेरी वेरी बिग स्टार, वेरी बिग डायरेक्टर भी बन गए थे वो, तो वो कामयाब हो गए थे। उसी तरह देवानंद जी द मोस्ट स्टाइलिश एक्टर टिल डेट, मैं तो उनके जैसा स्टाइलिश एक्टर का आज तक देखा ही नहीं है। तो ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर, बिग स्टार। लेकिन उनके भाई चेतन आनंद, उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाए एज एन एक्टर, बट एज अ डायरेक्टर इज वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर। गाइड, तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम, जबरदस्त फिल्में बनाई, बहुत सारी फिल्में बनाई, धमाकेदार फिल्में बनाई उन्होंने। तो एज अ डायरेक्टर ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। तो इसी तरह अगर आप देखो तो फिरोज खान, वन ऑफ द स्टाइलिश फिल्म मेकर, ही वॉज अ सक्सेसफुल एक्टर, नॉट वेरी बिग स्टार लेकिन काफ़ी नाम था उनका, बट एज अ डायरेक्टर ही वॉज अ वेरी वेरी बिग डायरेक्टर, वेरी स्टाइलिश डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर उनका नाम काफ़ी था। लेकिन उनके छोटे भाई संजय खान, वो जब फिल्मों में आए तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। जिस तरह अनिल कपूर बिकम अ वेरी सक्सेसफुल स्टार, लेकिन उनके भाई संजय कपूर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। सेम वे सनी देओल, वेरी वेरी बिग स्टार, 90s के सबसे बड़े एक्शन हीरो। लेकिन बॉबी देओल ने भी कुछ किए, यू नो सी डिड क्वाइट सोलो फिल्म्स की है और काफ़ी सक्सेस भी हुए, लेकिन अभय देओल को उतनी सक्सेस नहीं मिली। हालांकि बॉबी देओल ने कमबैक भी धमाकेदार किया। तो जितने भी स्टार्स के एक्टर्स के भाई हैं उनमें से आई थिंक बॉबी देओल ही, कपूर फैमिली को छोड़ा जाए तो बॉबी देओल इन, बाकी इसके अलावा काफ़ी चले। जैसे कि आमिर खान वेरी बिग स्टार, मिस्टर परफेक्ट ऑफ बॉलीवुड, लेकिन फैजल खान जब मधोश लेके आए उनकी पहली फिल्म, उसके बाद लोग ही बेहोश हो गए। तो इसी तरह सलमान खान वेरी बिग स्टार, सोहेल खान एंड अरबाज खान कुछ कमाल नहीं कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो उनकी पहली फिल्म से धमाका मचाया लेकिन आगे जाके वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हालांकि लड़कियों में कुछ थोड़ा अलग है, जैसे नूतन जी एंड तनुजा जी, दे बोथ वर वेरी यूथ स्टार्स। करिश्मा कपूर करीना, वो भी बड़े स्टार्स थे। फरा, वो काफ़ी सक्सेसफुल थी। और तब्बू जी, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल। शिल्पा शेट्टी सक्सेसफुल हुई लेकिन उनकी बहन शमिता शेट्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। काजोल जी तो काफ़ी नाम कमाया, वेरी बिग स्टार, लेकिन तनिषा इतना कमाल नहीं कर पाई। ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स है जिनका नाम मुझे अभी नहीं पता, जिनका सबका नाम तो मुझे याद नहीं। अक्षय खन्ना काफ़ी नाम हुआ था उनका,
नॉट ही डिडंट बिकम वेरी बिग स्टार, लेकिन सबको अभी भी याद, अभी भी फिल्मों में आते हैं, लेकिन उनके भाई राहुल खन्ना कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि बड़े भाई चलते हैं लेकिन छोटे भाई फिल्मों में नहीं चलते, ऐसा मुझे लगता है। दिलीप कुमार जी, गंगा जमुना, आप देखो उनकी फिल्में, बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड दिलीप कुमार जी, लेकिन उनके भाई नासिर खान जिन्होंने उनके साथ गंगा जमुना में काम किया, वो उतने बड़े वो कुछ कमाल नहीं कर पाए एक्चुअली देखा जाए तो। तो छोटे भाई कुछ सक्सेस नहीं मिलती अपार्ट फ्रॉम द कपूर फैमिली, वहाँ पे तो सब ज़्यादा करके सक्सेस ही मिली सबको। तो ऐसा बहुत सारा किस्सा है, जैसे कि अगर आप भाई बहन की बात भी करो तो आई थिंक शशि कपूर डॉटर संजना कपूर, वो भी फिल्मों में आए लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाई। उनका बेटा कुणाल कपूर, वो भी पद्मिनी कुलापुरी जी के साथ फिल्मों में आया, वो भी कमाल नहीं कर पाया। और उसके साथ उनका जो दूसरा बेटा है करण कपूर, वो भी फिल्मों में कमाल नहीं कर पाया। इस तरह से अमीषा पटेल सी बी के में काफ़ी सक्सेस मिला था उनको, टू लैंडमार्क फिल्म्स ऑफ हिस्ट्री में ज़बरदस्त फिल्में जो बनी थी, कौना प्यार एंड गदर एक प्रेम कथा, स्पेशली गदर एक प्रेम कथा, ये दोनों फिल्में लैंडमार्क फिल्म है, दोनों में अमीषा पटेल थी। तो शी गॉट सक्सेस, लेकिन अश्मित पटेल को उतना सक्सेस नहीं मिल पाया। तो देयर आर सो मेनी एक्टर्स किड्स जिनको सक्सेस मिला, किसी को नहीं मिलता, किसको मिल रहा है, जैसे कि सोनम कपूर को मिला लेकिन हर्षवर्धन को नहीं मिला। तो ये सब देखते हैं, तो अभी देखते हैं आने वाले सालों में क्या होता है, कितने स्टार किड्स आते हैं, उनके भाई बहन जो भी आते हैं, तो कितने को सक्सेस मिलती है, कितने को सक्सेस नहीं मिलती, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज था, हालांकि मैं गूगल देख के कुछ चेक नहीं करता हूँ, और गूगल देख के तो कोई भी बोल सकता है, तो मैंने सब कुछ चेक नहीं किया, शायद कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज जितना मेरा नॉलेज है मैंने बता दिया, रेस्ट आप गूगल कर लो। सो गाइस वो सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, टिल देन इज बाय बाय सेइंग गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।